हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। किसी भी स्ट्रिंग से किसी अल्फ़ाबेट की हमें पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी टेबल है एम्प्लॉय, और इसमें जो नेम है हमारे, उनसे जो अल्फ़ाबेट, किसी भी एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन निकालेंगे। जैसे हमारे नेम हैं, इनमें एन की हर नेम में पोजीशन क्या है। ठीक है, तो क्वेरी क्लियर हो गई। तो क्वेरी राइट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके लिए एक पहले नेम कॉलम ले लेते हैं। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इन एस टी आर, तो इन एस टी आर में पहला हम वो कॉलम लेंगे और दूसरा हम लेंगे वो अल्फाबेट, मान लीजिए एन। तो एन अल्फ़ाबेट की नेम में क्या पोजीशन है वो हमें फेच करनी है, तो इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है इन एस टी आर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए एन रोबिन में एन की पोजीशन है 1 2 3 4 5, अनुज में 1 2 3। तो इसमें क्या है, जीरो इंडेक्स से शुरू नहीं होता है, इसमें 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि एरे में जीरो से स्टार्ट होता है 0 1 2 3, और स्ट्रिंग में करेक्टर लोकेशन जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें वन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अल्फाबेट की किसी भी स्ट्रिंग में पोजीशन फेच कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा जो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है वो है इन एस टी आर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम पोजिशंस ऑफ अल्फ़ाबेट गेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।